हेलो इंजीनियर्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग बिजनेस एंड नॉलेज। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम सिविल इंजीनियरिंग में जो काफ़ी टाइप्स की ब्रिक्स आ रही हैं, जिसमें हम फ्लाई ऐश ब्रिक्स और रेड ब्रिक्स को यूज़ करते हैं। उसमें हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि कौन सी ब्रिक जो है बेटर है हमारे होम कंस्ट्रक्शन के लिए। ऐसे ही वीडियोज़ पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और इस चैनल में बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग बिजनेस के बारे में, सिविल इंजीनियरिंग जॉब्स के बारे में, और सिविल इंजीनियरिंग में जो कंप्लीट नॉलेज होती है उसके बारे में हर एक टॉपिक हम क्लियर कर रहे हैं। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए। अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए होगा जिसमें आपको कंप्लीट एनालिसिस चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक इसमें मेंशन कर दूंगा मैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे अपनी आप क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्लाई ऐश ब्रिक्स के बारे में बात करते हैं, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, उसमें हम कंपेयर करेंगे कि फ्लाई ऐश ब्रिक्स बेटर क्यों है इन कंपैरिजन टू रेड ब्रिक्स। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और जो इस वीडियो में जो पहला पॉइंट आएगा वो आएगा कंपेरेटिव एनालिसिस ऑफ फ्लाई ऐश ब्रिक्स वर्सेज रेड ब्रिक्स। फ्लाई ऐश ब्रिक्स के पॉइंट्स कुछ कहते हैं कि फ्लाई ऐश ब्रिक्स मेड फ्रॉम सीमेंट स्लैग एंड फ्लाई ऐश। जो फ्लाई ऐश जो है मेन इंग्रेडिएंट होता है फ्लाई ऐश ब्रिक्स में, जो कि एक थर्मल पावर प्लांट का एक जो कोल बर्न होने के बाद रेसिड्यू होता है उसी को हम फ्लाई ऐश कहते हैं। और जो स्लैग होता है जिसमें हम जो स्टोन डस्ट है उसको यूज़ किया जाता है, और जो सीमेंट है एक बाइंडर के रूप में जो है फ्लाई ऐश ब्रिक्स में यूज़ किया जाता है। और जो रेड क्ले ब्रिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम क्ले सॉयल, जो कि टॉप सॉयल होती है हमारे कल्टिवेबल लैंड की, उसको हम इरोजन करके जो हमें रेड ब्रिक्स बनाई जाती है एक भट्ठे में जला के। और फ्लाई ऐश ब्रिक्स हैज़ अ मोर यूनिफॉर्म शेप एज दे आर कास्ट इन मशीन मोल्ड। जो मशीन मोल्ड में जो है फ्लाई ऐश ब्रिक्स का मोल्ड किया जाता है, उसको बनाया जाता है, यूनिफॉर्म शेप उसी के कारण आती है फ्लाई ऐश ब्रिक्स की। और जो हमारी रेड क्ले ब्रिक्स होती है उसको हैंड मोल्डेड करके बनाया जाता है भट्ठे में जला के, तभी उसका लाल कलर आता है, और उसकी एक जो नॉन यूनिफॉर्म शेप उसी के कारण आती है। और जो फ्लाई ऐश ब्रिक्स हैज़ अ सीमेंट ग्रे कलर, जो इसमें बाइंडर है जो सीमेंट का यूज़ किया जाता है एज अ बाइंडर, और जो ग्रे कलर का जो मेन कंपोनेंट है फ्लाई ऐश, उसी के कारण इसका सीमेंट ग्रे कलर आता है लाइक अ सीमेंट। और जो रेड क्ले ब्रिक्स हैं उस हैज़ अ कलर रेड टू लाइट ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ क्ले यूज। जिस तरीके की जिस एरिया की हम मिट्टी यूज़ कर रहे हैं उसी पर डिपेंड करेगा कि हमारा रेड क्ले ब्रिक्स का मेन कलर कैसा आता है। और जो इसमें फ्लैश जो सॉरी रेड ब्रिक्स में जो मेन जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, लाइम, सिलिका, एलुमिना और ऑक्साइड्स ऑफ आयरन के कारण ही जो है रेड क्ले ब्रिक्स का कलर जो है काफ़ी लाल निखर के आता है। और फ्लाई ऐश ब्रिक्स हैज़ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 75 to 100 kg/cm². और जो रेड क्ले ब्रिक्स की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है काफ़ी कम है, जिसकी वैल्यू है 30 to 35 kg/cm². और डेंसिटी की बात करें तो 1700 लेकर 1850 kg/m³ डेंसिटी होती है फ्लाई ऐश ब्रिक्स की, और जो रेड क्ले ब्रिक्स की काफ़ी कम डेंसिटी होती है, दैट इज़ 1600 to 1750 kg/m³। फ्लाई ऐश ब्रिक्स वेस्टेज ऑन साइट इज़ अराउंड 2 to 5%। जो फ्लाई ऐश ब्रिक्स जो है एक यूनिफॉर्म शेप आती है, और जो साइट में इसको हम डंप करने के बाद जो भी ट्रक होती है ट्रॉली होती है उसे डंप करने के बाद ड्यू टू हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी जो है वेस्टेज काफ़ी कम निकल के आती है। और जो रेड क्ले ब्रिक्स की वेस्टेज जो है 10% तक आती है, क्योंकि उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू फ्लाई ऐश ब्रिक्स। फ्लाई ऐश ब्रिक्स हैज़ वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ 6 to 12%, जिसमें कि फ्लाई ऐश यूज़ किया जा रहा है और इसमें जो स्लैग वगैरह यूज़ किया जा रहा है उसमें जो है उनकी प्रॉपर्टीज़ होती है काफ़ी कम वाटर एब्जॉर्ब करने की। दैट इज़ वाई जो फ्लाई ऐश ब्रिक्स की वाटर एब्जॉर्प्शन है काफ़ी कम है इन कंपैरिजन टू रेड क्ले ब्रिक्स, जिसकी वाटर एब्जॉर्प्शन की वैल्यू है 20 to 25%। फ्लाई ऐश ब्रिक्स वेट इज़ 2.6 kg, और जो रेड क्ले ब्रिक्स का जो मेन वेट आता है दैट इज़ 3 to 3.5 किलोग्राम। और जो फ्लाई ऐश ब्रिक्स का जो कॉस्ट आती है दैट इज़ 4 to 6 rupees। वो डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया से उसको परचेज़ कर रहे हैं और कहाँ पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, उसी पे आपका जो रेट है वो फाइनली डिपेंड होता है। जो रेड क्ले ब्रिक्स इज़ अराउंड 5 to 8 rupees, जो कि काफ़ी ज़्यादा निकल के आती है एज़ कम्पेयर टू फ्लाई ऐश ब्रिक्स। और इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर आप कंपेयर कर सकते हैं कि फ्लाई ऐश ब्रिक्स ही क्यों बेटर है। फ्रॉम द कंपेरिजन एनी वन कैन क्लियरली प्रिडिक्ट दैट फ्लाई ऐश ब्रिक्स हैज़ मोर एडवांटेजेस देन क्ले ब्रिक्स फॉर न्यू हाउस कंस्ट्रक्शन। जो हमने टॉपिक सभी पीछे कवर किए उसके बेस पे आप काफ़ी अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं कि आपको अपने एरिया में अपने हाउस कंस्ट्रक्शन में कौन सी ब्रिक्स को प्रेफरेंस देनी है और किस चीज़ को ज़्यादा यूज़ करना है।
और कुछ फ्लाई ऐश ब्रिक्स के जो एडवांटेजेस ओवर क्ले ब्रिक्स, हमने अभी कंपैरिजन किया और इसी के ऊपर हम जो एडवांटेजेस हैं ओवर क्ले ब्रिक्स, जो फ्लाई ऐश ब्रिक्स के एडवांटेज हैं उसके बारे में हम क्लियर करते हैं, ताकि आपको जो जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएं कि आपको कौन सी ब्रिक्स यूज़ करने अपने कंस्ट्रक्शन हाउस कंस्ट्रक्शन में। तो फ्लाई ऐश ब्रिक्स आर लेस कॉस्टली एंड लाइटर इन वेट, जिसका कॉस्ट जो काफ़ी कम निकल के आता है इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इन कंपेयर टू रेड क्ले ब्रिक्स, और जो लाइट वेट होती है ये, इसी के कारण जो हमारा डेड लोड ऑफ स्ट्रक्चर है उसको हम काफ़ी कम कर सकते हैं। फ्लाई ऐश ब्रिक्स कंज्यूम ओनली 65 kg सीमेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 1 m³ के कंस्ट्रक्शन के लिए, जो फ्लाई ऐश ब्रिक्स ओनली कंज्यूम 65 kg ऑफ सीमेंट, और जो काफ़ी कम है जो कि रेड क्ले ब्रिक्स में काफ़ी कम यूज़ किया जाता है, उसमें अराउंड 72 to 75 kg ऑफ सीमेंट यूज़ होता है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 1 m³ ऑफ ब्रिक वर्क इन रेड क्ले ब्रिक्स। बाय यूजिंग फ्लाई ऐश ब्रिक्स वी कैन रिड्यूस सीमेंट कंजप्शन अप टू 50% तक की जो कंजप्शन को हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि जो प्लास्टरिंग वर्क है इन फ्लाई ऐश ब्रिक्स वो बोथ साइड नहीं किया जाता है ड्यू टू स्मूथ फिनिशिंग ऑन बोथ साइड्स, तो उसी के कारण जो है हम 50% तक की हम जो कंजप्शन रिड्यूस कर सकते हैं हमारी सीमेंट की। और हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है फ्लाई ऐश ब्रिक्स की वो काफ़ी ज़्यादा होती है, दैट इज़ 75 to 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फ्यूअर पोर्स होते हैं, जिसमें पोरस नेचर होता है वो काफ़ी कम होता है इन फ्लाई ऐश ब्रिक्स, और जो लाइट वेट कंपेयर टू क्ले ब्रिक्स, जो उसका लाइट वेट जो है कम निकल के काफ़ी कम आता है, दैट इज़ वाई मोर प्रेफरेंस इज गिवन टू फ्लाई ऐश ब्रिक्स। इन हाई राइज बिल्डिंग वन स्ट्रक्चरल लोड इंक्रीज दिस ब्रिक्स हैज़ लाइट वेट, हेल्प्स इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस ऑन द बिल्डिंग, जो कि काफ़ी हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं, उसमें हम अगर जो लाइट वेट ब्रिक्स को यूज़ करेंगे तो उसका डेड लोड ऑफ स्ट्रक्चर काफ़ी कम निकल के आएगा, दैट इज़ वाई फ्लाई ऐश ब्रिक्स है गिव मोर प्रेफरेंस इन कंपेरिजन टू रेड क्ले ब्रिक्स, एब्जॉर्ब लेस वाटर कंपेयर टू रेड ब्रिक्स, जो वाटर एब्जॉर्प्शन जो है फ्लाई ऐश ब्रिक्स की काफ़ी कम है इन कंपेरिजन टू रेड ब्रिक्स। इट इज़ चीपर देन रेड ब्रिक्स, जो उसका जो रेट है वो काफ़ी कम है इन कंपेरिजन टू रेड ब्रिक्स। फ्लाई ऐश ब्रिक्स आर मेड ऑफ वेस्ट मटेरियल दैट कम फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ कोल इन थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में जो हमारा कोल यूज़ किया जाता है फॉर द जो बिजली बनाने के लिए, जो हम कोल का यूज़ किया जाता है, जिसको बर्न करने के बाद एक रेजिड्यू बचता है जिसको हम फ्लाई ऐश कहते हैं, उसी फ्लाई ऐश को यूज़ करके हम जो है एज अ वेस्ट मटेरियल उसका हम जो ब्रिक्स बना रहे हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल होगा हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी, जिसको हम पॉल्यूट होने से बचा रहे हैं इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्लाई ऐश ब्रिक्स। और जो क्ले ब्रिक्स आर मेड ऑफ क्ले दैट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम फर्टाइल लैंड ऑफ द टॉप सॉयल, जो फर्टाइल लैंड जो था हमारा उसी की जो टॉप सॉयल को यूज़ करके हम जो रेड क्ले ब्रिक्स बना रहे हैं, उसी से सॉयल इरोजन हो रहा है, और जो हमारा यही दो मेन प्राइम रीज़न है, दैट इज़ वाई फ्लाई ऐश ब्रिक्स आर मोर प्रेफरेबल देन क्ले ब्रिक्स। और जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है फ्लाई ऐश ब्रिक्स को, जिसमें हम फ्लाई ऐश ब्रिक्स को काफ़ी हद तक अपने इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करने से बचा सकते हैं। तो हमारे श्री प्रधानमंत्री मोदी जी भी हम यही कह रहे हैं कि फ्लाई ऐश ब्रिक्स को काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहिए इन कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाई ऐश ब्रिक्स, तो गवर्नमेंट सपोर्ट भी इसमें काफ़ी, अगर आप इसका बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको सब्सिडी भी मिलेगी इन इन जो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसके आपके ऊपर आपको सब्सिडी भी मिलेगी, गवर्नमेंट सपोर्ट काफ़ी अच्छे तरीके से मिलेगा, शर्तें यही होनी चाहिए कि उसमें जो है हमारा फर्टाइल लैंड होता है उसको इरोज ना करें, और जो हमारे जो ज़मीन होगी वो एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए, तभी हम वहाँ पे उसकी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अगर आपने इसी टॉपिक्स के ऊपर रिलेटेड वीडियोज़ आप चेक करने हैं तो आप इसी प्लेलिस्ट में काफ़ी वीडियोज़ मैंने कवर कर रखे हैं, उसमें आप पूरी डिटेल्ड नॉलेज ले सकते हैं। तो ये था फिलहाल मेरा वीडियो फ्लाई ऐश ब्रिक्स के ऊपर, जो कि कंपैरिजन था एक फ्लाई ऐश ब्रिक्स वर्सेस रेड ब्रिक्स, कौन सी ब्रिक्स ज़्यादा अच्छी है वो मैंने इस वीडियो में कवर किया। तो आपको वीडियो को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और शेयर करना है इस वीडियो को जिसको इसकी नॉलेज की ज़रूरत होगी, और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को ऐसे ही और वीडियोज़ पाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू ऑल।